फ्रेंड्स, हर व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद एक बेहतर जीवन जीने की उम्मीद रखता है और उसके लिए प्लान भी करता है, चाहे वो एक सर्विस वाला हो या बिजनेसमैन हो या फिर एक आम आदमी हो। एक बेहतर रिटायरमेंट जीवन जीने के लिए एक अच्छी खासी कॉर्पस फंड की ज़रूरत है, ताकि आप अपना वर्तमान के जीवन शैली की तरह भविष्य जीवन शैली यानी रिटायरमेंट के बाद की जीवन शैली को मेंटेन कर सकें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सेविंग स्कीम PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बताऊंगा और उसी फंड में कैसे आप अपने रिटायरमेंट तक कम से कम 1 करोड़ रुपया जुटा सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF एक पॉपुलर स्मॉल सेविंग स्कीम है। यह सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा समर्थित है और इसमें बैंक का कोई इंटरफेयर नहीं है, यानी इसमें मिलने वाली इंटरेस्ट रेट सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह स्कीम रिटायरमेंट सेविंग स्कीम जैसे लॉन्ग टर्म लक्ष्य को हासिल करने के लिए निवेश किया जाता है। PPF एक ऐसा स्कीम है जो मीडियम रिटर्न प्रदान करता है और टैक्स बेनिफिट, टैक्स रिबेट और फंड की सिक्योरिटी की गारंटी देता है। PPF अकाउंट पर मिलने वाली इंटरेस्ट रेट दूसरे सेविंग स्कीम के मुकाबले ज़्यादा है और गारंटी रिटर्न देता है। PPF अकाउंट पर साल में आप मिनिमम 1 इंस्टॉलमेंट और मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट कर सकते हो। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्ट कर सकते हो। करेंट इंटरेस्ट रेट 7.1% पर ईयर और PPF खाता की अवधि 15 वर्ष का ही है। इस अकाउंट से आप 3 साल के बाद लोन ले सकते हो और 5 साल के बाद पार्शियल यानी आंशिक विड्रॉल भी कर सकते हो। अगर PPF में ठीक से और लगातार निवेश किया जाए तो रिडक्शन यानी निकासी के समय तक आप 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा रकम जमा कर सकते हो। इसके लिए आपको 15 साल की मेच्योरिटी पीरियड के बाद अपने PPF अकाउंट को एक्सटेंशन करना होगा और 1 करोड़ रुपये के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए लगातार आपको निवेश जारी रखना होगा। अभी हम पता करेंगे कैसे आप PPF से 1 करोड़ की पूंजी जुटा सकते हो। PPF अकाउंट पर 1 करोड़ रुपीज़ जमा करने के लिए इन्वेस्टर को काफ़ी धैर्य यानी पेशेंस की ज़रूरत है। करेंट इंटरेस्ट रेट 7.1% को अगर लेकर चले तो सालाना 1.5 लाख और अगर इसे आप मंथली निवेश करना चाहते हो तो मंथली 12,500 आपको निवेश करना होगा, क्योंकि 1 साल में इससे ज़्यादा आप निवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1.5 लाख उसका मैक्सिमम लिमिट ही है। मंथली 12,500 और करेंट इंटरेस्ट रेट 7.1% से अगर आप मैच्योरिटी समय तक यानी 15 साल तक निवेश कर दिए तो आपके पास 40.6 लाख से ज़्यादा पैसा हो जाएगा। 1 करोड़ की पूंजी जुटाने के लिए आपको 5-5 साल करके 2 बार खाता को आगे 10 साल के लिए एक्सटेंशन करना होगा, यानी आपके इन्वेस्ट 15 साल के बाद 40.6 लाख, फास्ट एक्सटेंशन के बाद यानी निवेश के 20 साल बाद 66.6 लाख और सेकेंड एक्सटेंशन के बाद यानी इन्वेस्ट की 25 साल बाद आपके PPF अकाउंट की लास्ट अमाउंट 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा। अगर पूरी निवेश के दौरान इंटरेस्ट रेट 7.1% पर स्थिर रहता है और प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपया का निवेश कर रहे हैं तो। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि PPF की इंटरेस्ट रेट हर समय समान नहीं रहता और 25 साल तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर रिव्यू किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर तब्दीली किया जाता है। और एक बात यह भी है कि इसमें इंटरेस्ट रेट उतना भी चेंज नहीं होता ताकि आपके निवेश पर ज़्यादा असर पड़े, क्योंकि इसमें मिलने वाली इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा ही होता है। पहले सुकन्या योजना का इंटरेस्ट रेट, उसके बाद PPF अकाउंट का इंटरेस्ट रेट, ये दोनों सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट दूसरे सेविंग स्कीम के मुकाबले ज़्यादा ही रहता है। इतने कम निवेश में इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है ताकि PPF अकाउंट पर मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। जी हाँ फ्रेंड्स, पावर ऑफ कंपाउंड की वजह से आपको मिलने वाली रिटर्न आपके निवेश की रकम से ज़्यादा हो जाता है। पावर ऑफ कंपाउंड क्या है और आपके निवेश पर कैसे ज़्यादा रिटर्न प्रदान करता है, वो एक अलग टॉपिक है, दूसरा वीडियो में उसके बारे में कवर करेंगे। उससे पहले जानते हैं PPF अकाउंट को एक्सटेंशन करने के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। ये फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। PPF अकाउंट की मेच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष है, लेकिन अगर आप इसे एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो 15वें वर्ष में
इन्वेस्ट ऑप्शन के साथ इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करके पीपीएफ एक्सटेंशन फॉर्म को जमा करके अपने पीपीएफ अकाउंट को आप एक्सटेंशन कर सकते हो, और पीपीएफ अकाउंट को आप हर 5 साल के इंटरवल में कई बार एक्सटेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पता करेंगे पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाली टैक्स बेनिफिट के बारे में। फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट ट्रिपल ई कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ट्रिपल ई का मतलब हर साल की 1.5 लाख निवेश पर इनकम टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा पीपीएफ से मिलने वाली इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पर भी इनकम टैक्स की पूरी तरह छूट है। तो ये था फ्रेंड्स पीपीएफ अकाउंट के बारे में सब कुछ जितना मुझे पता था। अगर इसके बारे में दूसरा कोई जानकारी आपको पता है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए, ताकि दूसरों को भी मदद मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।